बड़ी फ्लोट बाय बाबी लो बाबी लो बाबी लो चेंज लो ओके कोशिश कर रही हूँ शामियान पे पीछे से लेके कर रहे हैं।
राजश्री के साथ आपकी एक हिट फिल्म तमिल आ चुकी है बेबी नंबर वन, और यहाँ पे आप दीपिका के साथ काम करने जा रहे हैं। फिल्म में आपके साथ अभिषेक भी है और फरवीन भी, तो इस बारे में थोड़ा बताइए कि टीम ऑफ यंग एंथुसियास्टिक एक्टर्स कैसा महसूस हो रहा है? या ये वाशु जी के साथ यह दूसरी फिल्म, हाँ पहली फिल्म थी बीवी नंबर वन, और अब सबसे खुशी की बात यह है कि पहली बार मैं अपने दोस्त अनुपम के साथ एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ, एंड ही इज़ गोइंग टू डायरेक्ट मी, एंड दैट्स व्हाट इज़ एक्साइटिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट दैट्स द मोस्ट थिंग, यू नो, मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड कि अनुपम की पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर, एंड well, I'm going to start now. Within aadhe ghante mein I'll be in front of the camera and he'll going to be behind the camera and we're going to start work. And after Anupam ke saath ka association kaafi saalon se raha hai, to aapko kahin ye message hua tha ki someday he's going to turn into a director who's going to be directing you? Nahi, kaafi saalon se Anupam film direct karne ke liye plan kar raha hai. Matter of fact, there is ek aur subject bhi ready hai jo wo karne wale the, but us waqt uski casting achhi tarah ho nahi saki. तो हमने ये डिसाइड किया कि जब तक किसी कास्टिंग परफेक्ट नहीं है, उसको उस स्क्रिप्ट को यू नो शेल्फ पर रख दिया, और वी हैव यू नो आफ्टर दिस फिल्म यू नो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एंड देन दिस स्क्रिप्ट केम अबाउट, एंड इस स्क्रिप्ट पे काफ़ी एक सवा साल से वाशु जी एंड राहुल नंदा एंड वी ऑल हैव बीन डिस्कसिंग द स्क्रिप्ट सिंस अ ईयर, एंड then we all felt that the best person to direct this script would be Anupam, and that's the way the film started, you know, this project started. I'll move the set. Come on, come on. Sir, come on, sir. Come on, sir. सारा चीज है। मेरी फोटो इतनी खूबसूरत औरत के साथ आता हूँ। कैसी हो प्रिया? कैसी हो? उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे लिए। आप आइए। 17 साल पहले और 28 दिन पहले इसी स्टूडियो में एक फिल्म की शुरुआत हुई थी। उस फिल्म का नाम था सारांश। मैं बतौर एक्टर इस फिल्म इंडस्ट्री में आया। इन 17 सालों में मैंने हमारे देश के तकरीबन सभी डायरेक्टर्स के साथ काम किया, सभी का मुझे सहयोग मिला, प्यार मिला और सभी का आशीर्वाद मिला, और मैं जिंदगी की सीढ़ी पर, अपने प्रोफेशन की सीढ़ी पर चढ़ता चला गया। 17 साल और 28 दिन के बाद उसी महबूब स्टूडियो में एक नया जन्म लेने जा रहा हूँ मैं बतौर निर्देशक। अब की जो सीढ़ी है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ी मुश्किल से भरी है, क्योंकि कलाकार होने के नाते मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत कम थी, और निर्देशक होने के नाते मेरी जिम्मेदारियाँ मैं पिछले एक दो महीने में सीख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं मुझे और हमारी इस पूरी टीम को मिले। मैं
शुक्रगुजार हूँ वाशु भगनानी जी का जिन्होंने मुझे इतना अच्छा इतना खूबसूरत ब्रेक दिया, राहुल नंदा का जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखा है। ये एक प्रेयर है, ये फिल्म एक प्रेयर की तरह है जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। मैं जब फिल्मों में आया, उससे पहले जब मैं फिल्मों में आने के सपने देखता था तो मुझे सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पर लगता था। हालात बदलते चले गए और बड़ा पैमाना कुछ घबराहटों की वजह से, कुछ अलग वजहों से छोटा होता चला गया। मैंने वाशु जी से कहा कि मेरा तो सपना है कि मैं डायरेक्टर उसी जोर और शोर से बनूं जैसा कि मैंने छोटे शहर शिमला में देखे थे वो सपने। तो मैं यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ, फरदीन जो जय का रोल कर रहे हैं बीकानेर में है, बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं आ सके। दिस इज ए प्रेयर फॉर ऑल ऑफ अस। वी हैव इट्स एप्रोप्रिएट टू टॉक अप फॉर दिस। वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ लाइव्स इन गुजरात इन द अर्थक्वेक। वी विल स्टार्ट विद द टीम ऑफ Om Jai Jagdish donating 11 lakhs of rupees for them, for their relief, which is not much, but as film people are always forthcoming whenever there is a national calamity, we'll do lots of things for them. अभी वक्त आ गया है कि फिल्म वालों को अपना नाम भी थोड़ा और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। I will request Dilip Saab to give the clap. He has been an inspiration for me always, and he's always come and attended every function. I will request Mr. Yash Chopra to direct this shot so that I have a successful record. I'll request our esteemed Commissioner of Police, Mr. M.N. Singh, to switch on the camera. And three people who have been very instrumental in my career. There are everybody who has been very instrumental, but I will request Mr. Boni Kapoor, Mr. Satish Kaushik and Mr. Pradeep Guhar to break the auspicious coconut. And I will request all of you to give me your blessings so that we make a wonderful film together. Mr. Dilip Kumar, please.
दिया मिर्जा डायरेक्टर you know, मैंने जैसा कि अपने शुरू की इंट्रोडक्शन स्पीच में बोला कि आज से तकरीबन 17 साल और 28 दिन पहले 1 जनवरी 1984 को एज एन एक्टर मेरा यहाँ जन्म हुआ था, वो ऐसा लगता है कि वो 17 साल पलक झपकते गुजर गए, मगर जब पिक्चरों की संख्या 272-274 हो एज एन एक्टर तो लगता है कि वो पलक झपकने में बहुत वक्त लगा। एंड टुडे एट द सेम प्लेस वेर आई डिड द मुहूर्त ऑफ कर्मा विच वॉज माई एंट्री इन द सो कॉल्ड बिग लीग ऑन द सेम स्टेज विद अनिल, जैकी, नसीर एंड दिलीप साहब, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। एक्टर का क्या है कि एक्टर इज़ अ किंग, 16 साल एक्टर बन के आप स्टेज पर आए, अपना लाइनें पढ़ी, हाँ ठीक है चाय लाओ नाश्ता लाओ, अरे चलो ना यार जल्दी करो ना यार जल्दी करो, एंड यू गेट आउट ऑफ द प्लेस। बट मैं पिछले 2 महीने से आई हैव गॉन थ्रू द रिगमरोल ऑफ व्हाट ए डायरेक्टर गोज थ्रू, फ्रॉम अ चटाई टू द ड्रेसेस ऑफ द हीरोइंस, टू द मुस्टाश ऑफ द हीरो, टू द सेट ग्लास किस कलर का होना चाहिए, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। एंड ऑल्सो बिकॉज यूर कॉम्पिटिशन विद योर ओन सेल्फ, एज एन एक्टर मैं बहुत सारी चीज़ों से बच सकता था कि मैंने इस पिक्चर में बहुत अच्छा काम नहीं किया क्योंकि स्क्रिप्ट ठीक नहीं था, डायरेक्टर ठीक नहीं था, डायलॉग्स अच्छे नहीं लिखे थे, गर्मी बहुत थी, तो कोई ना कोई एक तरीका होता था बचने का। एज अ डायरेक्टर कोई तरीका नहीं है बचने का, इट्स यू आर इन फ्रंट ऑफ अ फायरिंग स्क्वाड, बट इट्स एट द सेम टाइम वेरी वेरी फुलफिलिंग एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी ऑब्वियस ट्रांजिशन ऑल्सो। नॉट दैट आई विल स्टॉप एक्टिंग, बिकॉज एक्टिंग करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बट अब आई थिंक यही एक स्टेप था कि डायरेक्शन की जा सके। And I have a very good cast. It's a very believable cast. It's a commercial setup, but with Anil, Fardeen, and Abhishek, and Tabu, Urmila, and with introducing Diya Mirza, Vahida Ji, Paresh Rawal, Johnny Liver. I have a very good technical team. Sabu Serial is my art director. Rahul Nanda has written a good script. So, एक वॉर्म्थ की फीलिंग है फिल्म में। फिल्म जो है मुझे लगता है पैशन से बनती है, टेक्निक से नहीं, तो उस पैशन का इस्तेमाल करेंगे। यू सी इट्स अ फिल्म अबाउट टुडेज फैमिली, इट्स ओम जय जगदीश आर थ्री ब्रदर्स अनिल फरदीन एंड अभिषेक। आई थिंक सूरज मिस्टर सूरज बरजातिया गेव अस ए ड्रीम फैमिली विच डज नॉट एग्जिस्ट बट वी वुड लाइक टू हैव ए फैमिली लाइक दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम अमेजिंगली डायरेक्टेड मेड फिल्म, बट अबाउट आई एम ट्राइंग टू डू, आई थिंक मेकिंग ए फिल्म विच इज़ ऑफ ब्रदर्स टूडे, मी माई ब्रदर अनिल, बोनी, संजू, एनीबडी यू टेक, दे आर रियल पीपल। So this is a film about real people, where brothers, a brother who is staying with mother is not the best brother. A brother who is not keeping the parents with him may not be the worst son. It's a today's film, it's a today's treatment, today's dialogues.
it's larger than life in its content, but not in its treatment. If after half an hour people say that, okay, this is Om and this is Jay and this is Jagdish and not Anil, Abhishek or Fardeen or Tabu or Urmila or Diya, I think that will be half the battle will be won.